अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिएटिव मेडिकल स्टूडियो। डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी ग्लैंड्स, यानी मेमोरी ग्लैंड्स क्या है। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस मिल्क। यानी मेमोरी ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स है, जो क्या काम करता है, प्रोड्यूस मिल्क यानी मिल्क प्रोडक्शन करता है। दे आर लोकेटेड इन द ब्रीस्ट एंड आर यूजुअली फंक्शनल ओनली इन फीमेल। ये कहाँ पे होती है, ये ब्रीस्ट में मौजूद होती है ये मेमोरी ग्लैंड्स, और ये ओनली फीमेल्स में फंक्शनल होती है। ईच ब्रीस्ट हैज अरेस्ट नेफल सराउंडेड बाय ए फेगमेंटेड एरिया कॉल्ड द एरियोला। यानी हर एक ब्रीस्ट के अराउंड एक पेगमेंटेड एरिया होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं, और वो निपल के अराउंड मौजूद होती है। द निपल आर सेंसिटिव टू टच एंड बिकम इरेक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जब निपल्स क्या है, ब्रीस्ट में ये सेंसिटिव एरिया होती है, और इसको टच करने से क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। इंटरनली द एडल्ट फीमेल ब्रीस्ट कंटेन्स 15-20 लोब्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू दैट रेडिएट अराउंड द निपल। यानी हर एक फीमेल में जो ब्रीस्ट होती है वो 15-20 लोब्स पर मुश्तमिल होती है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। द लोब्स ऑफ द लंग आर सेपरेटेड बाई, सॉरी यहाँ पे ये लंग नहीं है, ये ब्रीस्ट है। द लोब्स ऑफ द ब्रीस्ट आर सेपरेटेड बाई कनेक्टिव टिश्यू एडिफोस। यानी ब्रीस्ट में जो लोब्स है ये कनेक्टिव टिश्यू और एडिफोस टिश्यू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। द कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स द ब्रीस्ट वाइल द एडिफोस टिश्यू डिटरमाइंस इट्स साइज एंड शेप। यानी कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ब्रीस्ट को सपोर्ट करता है, और एडिफोस टिश्यू क्या काम करते हैं, वो साइज और शेप को मेंटेन करते हैं ब्रीस्ट के। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स दैट कंटेन द ग्लैंडुलर यूनिट्स। हर एक ब्रीस्ट जो है उसमें क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, और वो लोब्यूल्स ग्लैंडुलर यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। मिल्क इज कलेक्टेड फ्रॉम द लोब्यूल्स बाय लैक्टिफेरस डक्ट्स विच कैरी इट टू द निफल। यानी ब्रीस्ट में जो मिल्क प्रोडक्शंस होती है वो लोब्यूल्स से लैक्टिफेरस डक्ट्स में आते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट्स उसे निफल तक ले आते हैं। जस्ट बिफोर द निफल द डक्ट्स फॉर्म ए लैक्टिफेरस साइनस विच सर्व्स एज ए रिजर्वेयर फॉर मिल्क। यानी निफल से थोड़ा पहले एक लैक्टिफेरस साइनस आती है, जो मिल्क की एक स्टोर होती है, जहाँ पे मिल्क स्टोर होती है। मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शन इज रेगुलेट by hormones। और मेमोरी ग्लैंड्स की जो फंक्शंस है वो कौन रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड कॉजेज द ब्रीज टू इंक्रीज इन साइज। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या काम करता है, ग्लैंडुलर्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके थ्रू ब्रीज की साइज इंक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द डक्ट सिस्टम। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या काम करते हैं, वो ब्रीज में जो डक्ट सिस्टम होती है वो उसको डिवेलप करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज हार्मोन्स फर्दर एनहेंस द डिवेलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की ब्रीज जो है उसकी साइज एनलार्ज होना शुरू हो जाती है, उसमें जो डक्ट्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ये इन हार्मोन्स की बदौलत होती है। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क व्हाइल ऑक्सीटोसिन कॉजेस द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स। इसी तरह प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या काम करता है, वो मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं ब्रीज में, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उसके एक्सक्रीशन करते हैं ब्रीज से मिल्क की। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रीज फीडिंग एंड द चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।